परिक्रमा प्रकल्प को नहीं विवाद जारी रही बेले पुरी रे शंकराचार्य को भेटिछंति बीजेपी रो वरिष्ठ नेता तथा वरिष्ठ आईएनजीबी सुब्रमण्यम स्वामी तबे प्रकल्प नहीं मुह खोलिले बीजेपी नेता कहले नवीन को सा आलोचना करबे जोंठी आर्थिक गड़बड़ होउची सेठरे सरकार सामयिक भाबे हस्तक्षेप करबा उचित सुब्रमण्यम स्वामी परिवार सदस्यों को आसी गोवर्धन पीठ रे पहुंचे से शंकराचार्य को आशीर्वाद नहीं विभिन्न धार्मिक और राजनैतिक प्रसंग को नहीं उभयों मध्य आलोचना होती शंकराचार्य को केरल आसवाक आमंत्रण करने को पूरी आसी सुब्रमण्यम स्वामी पुरी में विकास के नाम पर जो बवाल मचाया जा रहा है उससे इस पवित्र भूमि के अस्तित्व और आदर्श के विलोप का मार्ग ही प्रशस्त हो रहा है। शासन तंत्र का यह दायित्व है कि तीर्थ को भोगस्थली का रूप प्रदान न करे। तो आज पुरी रे सुब्रमण्यम स्वामी पहुंची शंकराचार्य को भेटिछंति एवं आलोचना मध्य करिछंति तबे निर्दिष्ट भावे क्यों प्रसंग आलोचना होइछि ताहा स्पष्ट होइ नथिले मध्य से तांको निमंत्रण करबा पई आसीथिले बोली कहिछंति। तबे शंकराचार्य को केरल आसीबा को आमंत्रण करबा को पुरी आसीथिले बोली सुब्रमण्यम स्वामी कहिछंति। धार्मिक आध्यात्मिक जो संस्थान हैं वो प्रामाणिक धर्माचारी के नेतृत्व में चलें, सरकार उसमें सहभागिता का परिचय दे, हस्तक्षेप न करे, कोई उन्मादी व्यक्ति आतंकवादी तोड़फोड़ के लिए उद्यत हो तो उसके दमन करने में सरकार अपनी भूमिका निभावे। मठ मंदिर धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र है, ये प्रामाणिक आचार्यों की देख रेख में ही संचालित हों तब अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा कर सकते हैं। और चीन का जो अभी दृष्टिकोण है वो भारत के अनुकूल नहीं है, चीन से भारत को खतरा अभी भी विद्यमान है प्राप्त, इतनी सी बात है, हमारे बहुत पुराने परिचित हैं। मैं तो ज़रूर ये जो मुझे इसको पता है, इस मामला पता है, कोर्ट केस के बारे पता है, तो मैं निश्चित नवीन हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ, इनके पिताजी बीजू पटनायक मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र थे, तो और वो भी एक बहुत सात्विक व्यक्ति हैं, तो मैं ज़रूर खबर पहुँचाऊँगा। नहीं नहीं, जहाँ तक हमारे मंदिर हैं वो तो हमारी क्या कहते हैं विचारों का केंद्र थे, राजा भी वहीं आकर बैठता था बराबर, तो इसीलिए मंदिरों की रक्षा करना, मंदिर मैंने कई मंदिरों की जो सरकारी नियंत्रण में थी उसको से छुड़वाया, मंदिर जो है कतई किसी सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए। हाँ ज़रूर हमारे संविधान में लिखा है कि जहाँ वित्तीय गड़बड़ है वहाँ थोड़े दिन के लिए सरकार हस्तक्षेप कर सकती है।